फाइनली गाइस मैं उठ गया हूँ और बहुत ज्यादा दोपहर हो चुकी है। अब तक अगर आप देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है इस समय पे, और आज मैं उठने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 11:30 और अब मैं जाके उठा हूँ क्योंकि कल रात को मैं एक वीडियो बना रहा था जो मैंने अब थोड़ी देर पहले अभी आपको अपलोड कर दिया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और फाइनली आज का कुछ शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि 3-4 जगह जाना है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि जाना कहाँ कहाँ है। एक जगह नोएडा जाना है, दूसरी जगह मेरे को दिल्ली में भी एक फ्रेंड से मिलना है, तीसरी जगह हमने बेसिक सा शूट करने की प्लानिंग करी है, और चौथे में मेरे को एक जगह एक नई जगह पे छोटी सी मीटिंग भी है। तो मेरे को अभी सारी चीज़ें एक ही दिन में शेड्यूल करनी है। तो अब मैं ये सोचूंगी कैसे किया जाए। फिलहाल अभी बज चुके हैं 11:30, मैंने अभी अपने क्लाइंट से पूछा है कि कितने बजे तक आना है, वो अभी थोड़ी देर में रिप्लाई कर देगा। तो फिलहाल अब थोड़ा बहुत नहा लिया जाए, कुछ खा लिया जाए, और मेरा एक रूल है हमेशा, मैं जब तक नहाता नहीं तब तक मैं कुछ खाता नहीं है, मेरा थोड़ा खतरनाक वाला रूल है। चाहे फिर मैं दोपहर के 1:30 बजे उठूँ, 2 बजे उठूँ, तब मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं नहाऊंगा नहीं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। मेरे जूते साफ करना जो बार बार चमके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम ठंडा पानी लेके मेरे जूते साफ करना। ओए ठंडा पानी लग गया, ओह माय गॉड, बाहुबली ने पीछे से कटप्पा का बिगाड़ डाला। ओहो क्या बिगाया है। ओ भाई साहब, दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, मेरे पास एक स्पेशल पावर है जिससे मैं पूरा टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको दिखाऊं वो पावर, तो चलिए देखें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, आप बताओगे मैं उस टाइम पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं 1-1.5 घंटा आगे भी कर सकता हूँ, 1-1.5 घंटा पीछे भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले परांठा को अच्छे तरीके से गर्म करें। अब आप ये सोचोगे चाय के साथ मैं परांठा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परांठा का ही सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे, सारे पैसे इसी बात के हैं। चाय तो कोई भी बना लेगा, चाय में चार पानी डालो, दूध डालो। देखो ऐसे दूध में अगर पानी मिक्स नहीं करोगे तो फिर आपका दूध का फायदा क्या हुआ। मिलावट घर में करनी चाहिए, बाहर तो सभी करते हैं। 1 लीटर के दूध को अगर आपने 4 लीटर का नहीं बनाया तो फायदा क्या हुआ दूध लेने का। तो फाइनली गाइस फटाफट हम पहले थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हमें जाना भी तो है। तो ये है अपने आज की डिश, मूली के परांठे विद कुल्हड़ वाली चाय। फाइनली गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं रेडी भी अच्छे से हो चुका हूँ, और अब मैं एक बारी क्लाइंट को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि कितने बजे आना है। सो गाइस मेरी क्लाइंट से बात हुई है अभी रिसेंटली, तो क्लाइंट अभी कहीं पे बिजी है, दैट्स व्हाई आज की मीटिंग और सारे प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, बस अब हम अपना थोड़ी देर घर पे टाइम स्पेंड करेंगे, और बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है बाहर। सो मैं तो अब जा रहा हूँ फटाफट कंबल में लेटने के लिए। और रही बात आज के प्लान की, आज के प्लान में अब कुछ नहीं बचा, अब देखते हैं घर में बैठे बैठे थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, और होप सो मैं आपके लिए कल या शाम तक एक अच्छा सा टीज़र निकालने वाला हूँ। लेकिन ये नहीं बताऊँगा किस चीज़ का टीज़र है, तो उसके लिए आप एक्साइटेड रहे। और हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।